दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे टेक्स्ट टाइपिंग एनिमेशन। तो यहाँ पे मेरे पास डेमो है, तो आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट टाइपिंग जो हो रहा है वो अपने आप ही हो रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा टेक्स्ट टाइपिंग एनिमेशन HTML और CSS से कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसमें हम जावास्क्रिप्ट यूज नहीं करेंगे और दोस्तों इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, तो आपको पूरा वीडियो देखना है, ठीक है। तो यहाँ मेरा आउटपुट है और ये मेरा कोड है, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं बॉडी टैग में। तो यहाँ पे मैं बॉडी टैग को इसकी विड्थ भी हाइट दे देता हूँ, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ बॉडी, और इसकी जो हाइट है वो मैं 100 वर्टिकल हाइट दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसको डिस्प्ले में फ्लेक्स कर देता हूँ, और यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट है उसे मैं सेंटर कर देता हूँ, और अलाइन आइटम्स है उसको भी मैं सेंटर कर देता हूँ, ताकि जो भी हमारा कंटेंट है वो सेंटर में आएगा। और जो इसका बैकग्राउंड है मैं अभी ऑरेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब सेव करके इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे अब ये आ चुका है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे H1 टैग में ले लेता हूँ, ठीक है। H1 टैग में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, यहाँ पे क्या जो भी लिखा है हेलो आई एम डॉक्टर, तो यहाँ पे आपको लिखना है हेलो आई एम डॉक्टर, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया हेलो आई एम डॉक्टर। तो दोस्तों आपको अभी पता होना चाहिए कि जहां जो भी आपका कंटेंट है उसमें कैरेक्टर कितने हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, कैरेक्टर कितने हैं आपको काउंट करना है। अभी तो आप ऐसे ही काउंट कर सकते हैं, लेकिन मान लो पूरा का पूरा पैराग्राफ हो तो आप कैसे काउंट करेंगे। तो यहां पे ऑनलाइन में जाके आपको एक वेबसाइट है, वहां पे जाके आपको इसे पेस्ट कर देना है। तो यहां पे कैरेक्टर ये लिखा हुआ गया। अगर आपको ऑनलाइन नहीं करना है, ऑफलाइन करना है, तो आपके पास ये एड ऑन होना चाहिए फायरफॉक्स में कैरेक्टर काउंटर, और वहां पे आप पेस्ट कर दोगे तो यहाँ पे आपके सामने एक कैरेक्टर आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी 18 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हेलो आई एम डॉक्टर लिखा है, 18 कैरेक्टर है। तो अभी जो H1 है उसकी विड्थ है, H1 की जो विड्थ है उसे मैं लगा देता हूं 0 कैरेक्टर, यानी कि इसकी विड्थ है अभी 0 कैरेक्टर जितनी हो गई, ठीक है। सी एच का मतलब है कैरेक्टर। अब इसे मैं सेव कर लेता हूं, और यहां पे H1 को मैं ओवरफ्लो हिडन दे देता हूं, ताकि जो भी हमारा H1 के बाहर कंटेंट है वो हिडन हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे मैं व्हाइट स्पेस, इसकी जो व्हाइट स्पेस है यानी कि वर्ड रैप है, उसे मैं यहां पे नो रैप कर देता हूं, ताकि जो टेक्स्ट है वो उसके बाद ये नीचे नहीं चली जाएगी, ठीक है। तो अब यहां पे इसे मैं सेव कर लेता हूं, और यहां पे मैं जब रिफ्रेश करूंगा तो अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहां पे हमें एनिमेशन लगाना है की फ्रेम से, की फ्रेम से मैं यहां पे एनिमेशन ले लेता हूं टेक्स्ट, ठीक है। एनिमेशन का नाम है टेक्स्ट, यहां पे मैंने नेम टेक्स्ट दे दिया है। अब जब 0% हो, ठीक है, जब 0% हो तो उसकी जो विड्थ है, विड्थ को मैं अभी कर देता हूं 0 कैरेक्टर, ठीक है, 0 कैरेक्टर। अब जब 50% हो, पर 50% किसका, जो आप एनिमेशन में जो सेकंड डालेंगे उसका 50%, जब विड्थ है उसकी कितनी है, कैरेक्टर थे हमारे जितने भी कैरेक्टर आए, अब मान लो अभी हमारे पास इतने कैरेक्टर थे 18, तो उससे 2 कैरेक्टर आपको कम डालना है, ठीक है। 2 कैरेक्टर मैंने कम डाल दिया है। अब यहां पे एनिमेशन में कॉल करवा देता हूं, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एनिमेशन, टेक्स्ट हमारा एनिमेशन का नेम था, ठीक है, वो मैंने लगा दिया है। और उसके बाद मैं लगा देता हूँ यहाँ पे 6 सेकंड, यानी कि जो 6 सेकंड का 50% हो, यानी कि 3 सेकंड हो गए तब इसकी विड्थ है वो 16 हो जाएगी। अभी इसे सेव करके मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे ऐसे आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है। तो अब ये H1 है उसको हमें क्या करना है, बॉर्डर राइट, ठीक है, अभी हमें देना है इसको बॉर्डर राइट। मैं दे देता हूं 3 पिक्सल सॉलिड, अभी के लिए ब्लैक कर देता हूं मैं,
सेव करके रिफ्रेश। ठीक है, तो ऐसे आ रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप हमें चाहिए। ठीक है, चाहिए कैसे हमें, स्टेप बाय स्टेप चाहिए। तो पहले तो मैं इसकी फॉन्ट साइज थोड़ी बढ़ा देता हूँ, फॉन्ट साइज में कर लगा देता हूँ 60 पिक्सल। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं, हेलो आई एम डॉक्टर। अब इसको स्टेप बाय स्टेप जाना है, तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जो आप जहाँ पे आपने एनिमेशन इसका कॉल करवाया है वहाँ पे एक फंक्शन है स्टेप। ठीक है, स्टेप फंक्शन है, उसमें आपका जो स्टेप है 16, तो आपको वहाँ पे 16 लगा देना है और सेव करके यहाँ पे आपको रिफ्रेश करना है, तो जो भी आपका ये एनिमेशन है वो चला जाएगा, वापस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने कॉल करवाया था, तो इसको मैं अनलिमिटेड यानी कि इनफाइनाइट कर देता हूँ ताकि ये चलता रहे, और उसके बाद मैं लगा देता हूँ अल्टरनेट। ठीक है, तो ये अपने आप ही डायरेक्ट चलता रहेगा, कभी स्टॉप नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं ये एनिमेशन। ठीक है, अपने आप HTML और CSS से हमने क्रिएट किया, बिल्कुल इसमें कोई JS नहीं यूज की है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ नए कंटेंट के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।